गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सूर्य वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं राजेंद्र प्रसाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर जो है प्रतिलोम वर्तीय फलन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो फॉर्मूला है वह साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है कोश इनवर्स माइनस एक्स, ये होगा पाई माइनस कोश इनवर्स एक्स, तीसरा जो है वो टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स ये पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोशेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोशेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि कोश इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स ये पाई में से घटेंगे, पाई माइनस कोश कोश इनवर्स एक्स होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। जबकि साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इनमें माइनस निशान जो है वो पहले आ जाएगा। इसके बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई ये होगा साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू साइन इनवर्स एक्स होगा साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थ्री साइन इनवर्स एक्स होगा साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। इसके बाद कोश कोश इनवर्स कोष इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोष इनवर्स वाई ये होगा कोष इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। टू कोष इनवर्स एक्स हो जाएगा कोष इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। थ्री कोष इनवर्स एक्स हो जाएगा कोष इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। यहाँ कोश इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोश इनवर्स वाई में देखिए यहाँ ध्यान रखना निशान का, प्लस माइनस प्लस निशान होगा तो यह माइनस निशान, माइनस निशान होगा तो यहाँ प्लस निशान होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस प्लस एक्स वाई, प्लस निशान होगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, माइनस निशान होगा तो यहाँ ऊपर प्लस माइनस निशान होगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस निशान होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना निशानों का। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स होगा टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। थ्री टेन इनवर्स एक्स होगा टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोट इनवर्स वाई होगा कोट इनवर्स टू कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस वन अपॉन वाई प्लस माइनस एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कोश इनवर्स एक्स ये होगा पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये पाई बाई टू और शेक इनवर्स एक्स प्लस कोशेक इनवर्स एक्स ये भी पाई बाई टू। तो ये थे, इसके बाद एक थोड़ा सा और व्यापक हलों से संबंधित और रह जाता है। व्यापक हलों में या व्यापक मानों में साइन इनवर्स एक्स का व्यापक हल या व्यापक मान जो है वो होगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन थीटा। थीटा क्या है, जो भी एंगल निकल के आता है वो। कोश इनवर्स एक्स होगा टू एन पाई प्लस माइनस थीटा फॉर ऑल एन इम्प्लाइज टू जेड, यानी जो एन की वैल्यूज हैं वो इंटीगर से लेनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस प्रकार से। टेन इनवर्स एक्स होगा एन पाई प्लस थीटा। तो ये थे फॉर्मूले। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रश्नों की। निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मानों में पहला जो है
साइन इनवर्स वन, ये मान हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम इसे मान लें, मान लेते हैं भाई माना साइन इनवर्स ये जो एक है इसके बराबर मान लेता हूँ मैं थीटा। अब यदि साइन इनवर्स एक, साइन इनवर्स को यदि आप आगे लेके जाएंगे तो ये एक समीकरण बनेगा, कैसा, ये समीकरण बनेगा साइन थीटा बराबर एक, और एक जो है साइन थीटा में वो पाई बाई टू का मान होता है, यानी साइन थीटा बराबर ये आएगा साइन पाई बाई टू। अब साइन से साइन यदि रिमूव हो जाए तो थीटा का मान यहाँ निकले, पाई बाई टू, ये मान निकला, ठीक है। अब थीटा आपने किसे माना था, साइन इनवर्स वन को माना था, तो वापस देखें, अतः है यदि यहाँ देखा जाए क्या कि इस थीटा की जगह क्या रख दें, वापस थीटा की जगह ये रख दें, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक बराबर कितना आया पाई बाई टू, ये इसका मुख्य मान हुआ, इसी प्रकार से यदि अपन ये सेकंड चेक करके देखें, इसी प्रकार से ये चेक करें, दूसरा जो है क्या है सेक इनवर्स, एक मिनट ये रिमूव कर देता हूँ मैं फ़ोटो यहाँ से, जो दिखाई नहीं दे रहा इसके नीचे क्या कटा हुआ है, देखिए ये है अपना प्रश्न, सेक इनवर्स माइनस रूट दो, ये प्रश्न है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करें, इसको मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स माइनस रूट दो बराबर थीटा। अब सरल करेंगे क्या आएगा, सेक थीटा, बराबर माइनस रूट दो आए। अब सेक थीटा में यदि टेबल याद है, सेक थीटा में ये मान कितना होगा, किस प्रकार से करेंगे, सेक थीटा बराबर रूट टू जो है वो पाई बाई फोर का मान होता है, लेकिन नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए सेक जो है कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव होता, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होते हैं, ये देखने के लिए आपको ये बताया गया था कि ऑल स्टूडेंट टेक केयर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, तो कोस और सेक अपने पास सेक है, सेक कितना नेगेटिव, तो कोस यहाँ पर भी नेगेटिव है, ये सेक यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये आपको बता दिया कि पाई वाई, ये जो रूट टू है ये पाई वाई फोर की वैल्यू है, लेकिन ये है कहाँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव है इसका मतलब, तो ये आएगा सेक, यहाँ पाई हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस, पाई वाई फोर ये आ जाए। इसको यदि अपन सरल करें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
सेक थीटा बराबर सेक सेक और हल करने पर यह आ जाएगा 3π/4, ये आएगा सेक थीटा बराबर। अब सेक से सेक रिमूव हो जाएगा तो थीटा का मान निकलेगा 3π/4। ये 3π/4 हम वापस कहाँ रख देंगे, यहाँ जहाँ माना था, थीटा का मान तो आया है, तो थीटा का मान वापस रखने पर अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा कि सेक इनवर्स माइनस रूट टू जो है वो किसके बराबर हुआ, 3π/4 के बराबर हुआ। ये इसका सॉल्यूशन होगा भाई। सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/7। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3। यहाँ फॉर्मूला देखिए, शुरू में मैंने फॉर्मूले इसीलिए बताए थे कि थोड़ा ध्यान रहे। तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यदि अपन यहाँ अप्लाई करते हैं, तब एक बार मैं बता देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1+xy। ये फॉर्मूला हो जाता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स y का। ये फॉर्मूला यदि हम यहाँ अप्लाई करें तब अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, तब अपने पास रिजल्ट आएगा देखिए, अभी आ जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई, एक्स की जगह है 17/19 माइनस 2/3 अपॉन 1 फिर प्लस 1+ x का मान 17/19 गुणा वाई का मान है 2/3। यदि इसको सरल किया जाए, सरल करें तो यहाँ एलसीएम लिया ऊपर 19 और 3 का 19 57 एलसीएम आया, तो ये आ जाएगा 17/51 माइनस 3 का भाग देंगे 19 × 2 = 38 / यहाँ 19 57 माइनस 17 × 2 = 34 / 57 हो गया एलसीएम। अब इसके बाद ये 57 और ये डबल फ्रैक्शन हो गए, इनको इन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये कट जाएंगे। कटने के बाद अपने पास क्या बचेगा वो देखिए, अपने पास बचेगा टेन इनवर्स और ऊपर तो था 51 माइनस 38। तो 51 में से 38 घटाया कितने बचे, या लिख देता हूँ मैं एक बार, 51 माइनस 38 ये तो ऊपर, और नीचे था 57 प्लस 34। तो 57 में 34 ऐड कर देंगे, 57 प्लस 34 ये कितना आ जाए, टेन इनवर्स 51 में से 38 घटाया बचा 13, और 57 में 34 जोड़ दिया तो ये हो गया 91। अब 13 से ये 91 कट जाता है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 17
1391 तो 7 टाइम कट गया, 1/7 ये आ गया। और देखिए राइट हैंड साइड भी क्या था, टेन इनवर्स 1/7, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की यदि अपन चर्चा करें तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है यदि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। तो जिस प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वैसे ही जो फॉर्मूला अप्लाई किया था पिछले प्रश्न में, वैसे यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर दे रखा है π/2। अब चूंकि आपको ये बताया जा चुका है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर π/2 हो गया। अब ये टेन इनवर्स इधर लेके आए तब अपने पास रिजल्ट आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर टेन π/2। और अपने पास रिजल्ट आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या बताया, अनंत। और अनंत का मतलब हो गया 1/0, अनंत यही तो हुआ। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो नंबर है ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये 1 से गुणा करिए, यानी क्या रिजल्ट आएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या रह जाएगा, ये 0। अब ये नेगेटिव टर्म्स हैं, इनको अपन ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करने पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना, 1 हो जाएगा। देखिए क्या सिद्ध करना था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, या फिर क्या लिख देंगे, या फिर इति सिद्धम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सिद्ध। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन चर्चा, समीकरण sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a को हल कीजिए, हल करना है, सॉल्व करना है इसे। देखो समीकरण क्या दे रखा है, अपने पास समीकरण है sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a, ये समीकरण हुआ। इस sec इनवर्स a को मैं इधर ले आऊँ ये प्लस में आ जाए, इस sec इनवर्स को मैं इधर ले जाऊँ ये प्लस में चला जाए, तो समीकरण में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देखिए क्या, sec इनवर्स x अपॉन a ये इधर आएगा प्लस में आ गया, तो ये हो गया sec इनवर्स a। आगे ये sec इनवर्स b तो है ही, और ये आगे लेके जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा
sec इनवर्स x अपॉन b, ये हुआ। अब sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स b का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या फिर इनको यदि पलट लें तो देखिए cos इनवर्स के फॉर्मूले हैं अपने पास, वो फॉर्मूले अपन लगा सकते हैं। तो इसे cos में और इसे भी cos में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा चेंज करने पर cos इनवर्स a अपॉन x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन a, आसान रहेगा थोड़ा, बराबर इसी प्रकार से एक ही बात है, cos इनवर्स ये हो गया b अपॉन x, और प्लस ये हो गया cos इनवर्स 1 अपॉन b। तो यहाँ भी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फॉर्म, आगे भी cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स y फॉर्म हो गई। अब यहाँ वो फॉर्म यदि अपन अप्लाई करते हैं तब अपने पास क्या रिजल्ट आए वो देखिए, अपने पास रिजल्ट आएगा तब cos इनवर्स एक्स वाई, तो x की जगह a अपॉन x, y की जगह 1 अपॉन a है, y की जगह 1 अपॉन a हो गया, माइनस प्लस है तो माइनस निशान आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 1 अपॉन x है, तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया, वन अपॉन ए स्क्वायर, ये हुआ। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, अब यदि अपन राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में आ जाएगा cos इनवर्स इसी प्रकार से cos इनवर्स x अपॉन b गुणा 1 अपॉन b माइनस रूट 1 माइनस, तो x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह 1 अपॉन b होगा, 1 अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, ये आया। अब देखिए दोनों साइड में cos इनवर्स हो गया, cos इनवर्स रिमूव हो जाएगा, सॉरी ये b अपॉन x है भाई, cos इनवर्स रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में अपने पास बचेगा, और यहाँ देखिए फिर a से a कट जाएगा तो 1 अपॉन x ही बचेगा, यहाँ पर भी b से b कटने पर ये बचेगा, तो अब क्या बचेगा अपने पास, अब अपने पास बचेगा 1 अपॉन x लेफ्ट हैंड साइड में, 1 अपॉन x माइनस रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर 1 अपॉन x माइनस रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और रूट 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर, ये बचा। अब देखा जाए 1 अपॉन x दोनों साइड में है, कट जाएगा, कटने के बाद में ये बचा माइनस रूट, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, माइनस से माइनस कटने के बाद में अपने पास बचता है रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर,
और रूट वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर। ये हुआ, यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, वर्ग करने पर क्या लिख देंगे, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर ये रूट हट जाएंगे और रूट हटने के बाद में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट हट जाएंगे। तो रूट हटने के बाद में अपने पास या अपने को क्या मिलता है, वर्ग करने पर मिलेगा वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर इसी प्रकार से आगे वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर। ये बचा। अब इनको यदि अपन ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो, देखो वन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो ये यूं कहीं मिलेगा, वन से करने पर वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको इस वन से कर लिया, अब इसको करते हैं दोनों से तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। इसके बाद में राइट हैंड साइड में वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर, वन से मल्टीप्लाई करने पर इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या क्या कटता है वो और देख लेते हैं। वन से वन कट जाता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर से वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी कट गया। क्या बचा, माइनस का वन अपॉन ए स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा और ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर भी लेफ्ट हैंड साइड में बचा। राइट हैंड साइड में माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म हैं इनको अपन ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पहले से क्या है ए स्क्वायर पहले से है बराबर। अब ये जो वन अपॉन ए स्क्वायर ये इधर जाएगा, प्लस में चला जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर और ये माइनस में यहाँ है ही, वन अपॉन बी स्क्वायर यहाँ है ही, ठीक है। अब इनको एलसीएम लेके यहाँ एलसीएम करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लेकर जब हम इसे सरल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम हुआ, यहाँ आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेने पर अपने पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पलट देंगे और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा। कटने के बाद में अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएंगी ए बी, एक्स बराबर आया प्लस माइनस ए बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स रूट थ्री अपॉन टू के माइनस एक्स और थीटा बराबर टेन इनवर्स टू एक्स माइनस के अपॉन के रूट थ्री हो तो सिद्ध कीजिए फाई माइनस थीटा का मान
30 डिग्री है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन भी। देखो क्या क्या दिया है अपने को, अपने को बता रखा है कि थीटा सॉरी फाई, फाई बराबर है टेन इनवर्स एक्स रूट थ्री अपॉन टू के माइनस एक्स, और थीटा बराबर है टेन इनवर्स टू एक्स माइनस के अपॉन के रूट थ्री। मान किसका ज्ञात करना है, फाई माइनस थीटा का। तो ये एक तरीके से इसे आप समीकरण एक कह दें, इसे समीकरण दो कह दें, एक में से दो घटा दें तो क्या आ जाएगा, देखो फाई माइनस थीटा बराबर कितना आ जाए, फाई का मान है टेन इनवर्स एक्स रूट थ्री अपॉन टू के माइनस एक्स, माइनस थीटा, थीटा का मान है टेन इनवर्स टू एक्स माइनस के अपॉन के रूट थ्री। ये हो गया किसका मान, थीटा का। अब यदि देखा जाए ये फॉर्म हुई टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई फॉर्म हो गई, तो इसके लिए अपन फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देते हैं। फिर से अप्लाई करने पर क्या आएगा वो देखिए, फिर अपने पास आएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह तो क्या था, एक्स की जगह तो है एक्स रूट तीन अपॉन टू के माइनस एक्स, ये तो है एक्स की जगह, माइनस वाई की जगह है टू एक्स माइनस के अपॉन के रूट थ्री। अब इसमें बट्टे में भी तो आएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, वन प्लस एक्स वाई, तो एक्स की जगह हो गया एक्स रूट तीन बटे टू के माइनस एक्स गुणा टू एक्स माइनस के अपॉन के रूट थ्री। ये हुआ, सरल करते हैं, सरल करने पर क्या आ जाएगा, एलसीएम देखिए यहाँ पर भी टू के माइनस एक्स इंटू के रूट थ्री आना है, नीचे भी ये रहा टू के माइनस एक्स इंटू के रूट थ्री, एलसीएम यही आना है, एलसीएम डबल फ्रैक्शन होने के कारण फिर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसके बाद में क्या आएगा वो देखते हैं। देखो एलसीएम लेकर जब आप इसे हल करेंगे तो अपने पास एलसीएम लेकर हल करने पर आ जाएगा टेन इनवर्स थ्री के एक्स माइनस टू एक्स माइनस के इंटू टू के माइनस एक्स अपॉन, नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा टू के माइनस एक्स, ये गुणा हो जाएगा आगे वाली संख्या से के रूट तीन, और प्लस के रूट थ्री इंटू टू एक्स माइनस के, ये आया। अब इसे यदि अपन ओपन करते हैं, सरल करते हैं, तब टेन इनवर्स
थ्री के एक्स, थ्री के एक्स माइनस चार के एक्स चार के एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन टू रूट थ्री के स्क्वायर होगा माइनस रूट थ्री के एक्स प्लस टू रूट थ्री, टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री के एक्स। ये इसे सरल करने पर आया। इसके बाद में और इसे सरल करते हैं तब और सरल करने पर अपने पास रिजल्ट आ जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर माइनस टू के एक्स अपॉन टू रूट, टू रूट थ्री के स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री के एक्स। अब यहाँ से कॉमन लेके सरल करेंगे तो देखिए ऊपर टू आ जाता है, ऊपर टू कॉमन आ जाता है, टेन इनवर्स ऊपर तो टू कॉमन आ जाता है। टू कॉमन निकालने पर, टू कॉमन निकालने पर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के एक्स, तो ये तो बचा ऊपर, नीचे जो है नीचे कॉमन आ जाता है दो रूट तीन, दो रूट तीन, दो रूट तीन कॉमन निकालने पर अपने पास बच जाएगा अपने पास बचेगा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ये बचा। अब देखिए ब्रैकेट की संख्या एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के एक्स, इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में यहाँ दो से दो भी कट जाएगा, क्या बचेगा, अब केवल अपने पास बचेगा टेन इनवर्स एक बट्टे रूट तीन, ये बचेगा एक बट्टे रूट तीन। और एक बट्टे रूट तीन टेन में मान कितने का होता है, तो ये हो जाएगा एक बट्टे रूट तीन टेन 30 डिग्री का बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, बराबर 30 डिग्री। तो ये तो हमें सिद्ध करना था कि फाई माइनस थीटा का मान 30 डिग्री आता है, तो ये मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये मान हो गया कि फाई माइनस थीटा का मान 10 सरल करने पर 30 डिग्री आता है, ये हो गया, ये सिद्ध करना था, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक ज़रूर है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, मटेरियल आपको यूँ लगता है कि थोड़ा आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और सबसे मुख्य जो बात है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।